इससे बिल्कुल इसी तरीके से अभी उठाएगा ये ये जो हैं वो लगे हुए हैं चावल, जो कि अभी ये पक चुके हैं, तो इसको जो है वो सेपरेट कर रहे थे। छोटा सा कुत्ता आ गया, आ गया हमारे और भाई परमिशन हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आज मैं अगेन जो है वो जज्जे में आया था, एक काम था बैंक में बट हुआ नहीं है। अभी जो है वो जज्जे में और यहाँ से जो है वो वापस जाएंगे कुछ देर में, तो फ़िलहाल जो है वो यहाँ आए हुए थे। और ये हैं मुजाहिद लोगों के चावलों के खेत, शायद 2 मंथ पहले जो मैंने यहाँ पे एक व्लॉग बनाया था तो उसमें ये लोग यहाँ पे पानी लगा रहे थे इन खेतों में, बट अब भी जो है ये इनके तैयार हो गए हैं और इन लोगों ने काटना भी स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर ये लोग चावलों को अलहदा करते हैं इससे बिल्कुल इसी तरीके से, और ये आपको अपना एक लाइव सैंपल भी दिखा रहा है मुजाहिद। और ये जो है इन लोगों ने घास जो है वो अलहदा कर लिया और चावलों की जो है वो बोरियां थी तो उनको भी लेकर जाना है, तो हम बाइक लेके आए थे और वो बाइक जो है हमने वो साइड पे खड़ी की है बिकॉज़ खेतों में जो है वो बाइक नहीं लेके आ सकते, तो बाइक जो है वो उस साइड पे खड़ी हुई है आगे और इन लोगों के जस्ट एक टुकड़ा खड़ा हुआ है, बाकी ये इन लोगों ने घास वगैरह वगैरह अलहदा की हुई है। और ये घास उठा के चलनी जानी है घर। इन लोगों ने जो है वो चावलों की कटाई की थी और यहाँ खेतों में ही साफ़ करके चावलों को, घास को जो है वो यहीं पे रख देते हैं और बाकी जो है वो चावल जो है वो घर लेके चले जाते हैं। ये एक्चुअल में ऐसा करते हैं कि पहले उसको काटते हैं, मतलब पौधे को पूरा, और काटने के बाद यहाँ पे ले आते हैं और इसके ऊपर ज़ोर से मारते हैं, फिर चावल जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो पौधे होते हैं, जो घास बच जाती है वो इससे सेपरेट हो जाती है, फिर ये चावलों को जो है वो बोरी वगैरह में पैक करके यहाँ से दोबारा घर लेके चले जाते हैं। ये जैसे काम करते हैं वैसा आपको मुजाहिद जो है वो लाइव एक सैंपल दिखाने वाला है कि ये लोग किस तरह से पौधे को अलहदा करते हैं चावलों से। ये आपको अभी एक लाइव प्रूफ मिलने वाला है, ये वैसे करते हैं इस तरह से, ये जो है वो ऑलरेडी साफ़ किए हुए हैं बट ऐसे ज़ोर से जब मारते हैं ना तो इसके चावल जो होते हैं वो इस पौधे से अलहदा होकर नीचे गिर जाते हैं, फिर ये उसको कपड़े में रख कर और बोरी में डालकर फिर यहाँ से ले जाते हैं, जैसे कि अभी हम लेने के लिए आए हुए हैं तो यहाँ से लेकर जाते हैं। ये सारी घास पड़ी हुई है और ये इन लोगों ने खजूर का एक तना रखा हुआ था यहाँ पे। अभी चलते हैं और इसने वो घास भी उठाना है, तो पहले ये घास उठाएगा और फिर वो चावलों की जो है बोरियाँ वगैरह लेकर जो है वो घर पे जानी है, तो अभी लेके चलते हैं। अभी जो है इसने ये उठाना है घास सर के ऊपर। हाँ उठाओ उठा यार, क्या हो गया? ये अभी उठाएगा ये वैसे ही वजन ही था, मैंने इसकी हेल्प करनी थी बट मैंने नहीं की तो इसने अकेले उठा लिया। इसका वज़न तकरीबन 30 किलो होगा आई थिंक। और ये जो है मुजाहिद चावल की बोरियां इकट्ठी कर रहा है जो इन लोगों ने पौधों से लदा कर लिए हैं चावल, और अभी इसको घर लेके जाएंगे हम, तो यहाँ पे हम बाइक पे लेके आए हैं, इस बाइक पे लेके जाएंगे। और ये बाकी ये सारी इन लोगों ने जो है वो काट लिए, बाकी ये वाला टुकड़ा जो है ये जस्ट यहाँ ये जो है यहाँ से बचा हुआ है ये वाला, और इसके ऊपर ये जो हैं वो लगे हुए हैं चावल, जो कि अभी ये पक चुके हैं तो इसको जो है वो सेपरेट कर रहे थे, मीन्स कि जब ये इसको जोर से जो है वो लकड़ी के टुकड़े पे मारता है तो ये वाले चावल जो होते हैं फिर वो सेपरेट हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं, और बाकी जो घास होती है वो भी अलग हो जाती है। ये हैं चावल और ये कवर में हैं तो इसके अंदर चावल हैं। तो हम जो है अभी ये सारा सामान लेके घर जा रहे हैं और फिर मुझे जो है फिर जज्जे से घर जाना है अपने घर, और ये मुजाहिद मुझसे पहले, और ये मुजाहिद आपको अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए दोबारा दिखाई देंगे पहली बार एक बड़ी स्क्रीन पर एक 40 किलो की बहुत बड़ी बोरी को दोनों हाथों से उठाते हुए ये एक्चुअली ये मतलब इसका वेट जो है वो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है बिकॉज वो इसके कवर भी होते हैं ना तो वो थोड़े हल्के होते हैं, तो अगर इसको हम उठाएं तो इतना ये भारी नहीं होता, मीन्स के एक हाथ से भी उठा सकते हैं बट। और ये है चावल जो खड़े हुए हैं
और वो बाकी वहाँ से जो है वो सारा लोगों ने कट कर लिया है। और यहाँ पे भी थे, सो मतलब फसल जो है वो चावल की बिल्कुल तैयार हो चुकी है। सो अभी जो है हम ये सामान लेकर चल रहे हैं घर। सो बाइक जो है वो मैं चला रहा हूँ और ये रास्ता जो है आगे से कच्चा है बिल्कुल। सो मैं बाइक चलाऊँगा और मुझे जो है वो पीछे से ये सामान रख रहा है, ये रख रहा है इतना सारा सामान रख ये सारा इतना रखा हुआ है तो इसको लेके जाना है, पता नहीं कैसे जाते हैं। सो फाइनली अभी जो है वो हम बाइक पे लोड हो चुके हैं और मुझे जो पीछे है नज़र नहीं आ रहा होगा आई थिंक वो बैठा होगा, ये बहुत ज़्यादा वज़न है। सो अभी इसको लेके जाना है यहाँ से, रास्ता ख़राब है, मैं आपको दिखाता हूँ रास्ता कैसा है। ये छोटा सा कुत्ता आगे आ गया हमारे और बाइक उड़ मुश्किल। सो ये जो है रास्ता अच्छा है बिल्कुल, यहाँ से जो है वो बाइक लेके जा रहा हूँ और एक हाथ से चला रहा हूँ और बिकॉज एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, रास्ता बहुत खराब है और आगे जो है दोनों साइड से गन्ने के खेत हैं। प्यारा सा लुक है यहाँ से, मतलब मुश्किल है बाइक ड्राइव करना बट लग प्यारा रहा है ये जगह बहुत ज़्यादा। तो फाइनली खेतों से जो है वो हम बाहर आ गए हैं और ये साथ में रेल की पटरी थी, मतलब कि यहाँ पे, और लास्ट व्लॉग में मैंने आपको इसका स्टेशन भी दिखाया था वो जो वो सामने था। तो भी हमने इस साइड पे जाना है, ये जगह मुझे पहले बचपन में बहुत प्यारी लगती थी, मतलब एक खुला ही मैदान है अच्छा सा, बहुत प्यारा लगता है देखने में। सो अभी खाना जो है वो तैयार है और खाना खा के अभी यहाँ से जज्जे से जो है वो हमें निकलना है घर की तरफ।